बेल। नमस्कार, न्यूज फॉर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समिति शिवानी। यूपी के हापड़ जिले से चमरी गांव से खबर सामने आई है, जहां बिजली विभाग ने ग्रामीण को 128 करोड़ 45 लाख 95 हजार का बिजली बिल भेजा है। बिजली बिल मिलने के बाद बुजुर्ग के होश ही उड़ गए। अब बुजुर्ग बेचारे बिजली विभाग का चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि चमरी गांव निवासी समीम नामक व्यक्ति को 128 करोड़ 45 लाख 95 हजार 484 रुपए का बिजली का बिल मिला है। शख्स का कहना है कि वे बेहद ही गरीब व्यक्ति हैं, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बिजली की खपत वे कहां से करेंगे। समीम ने कहा कि इस संबंध में कोई मदद करने को भी आगे नहीं आ रहा है। बता दें, वह एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब भी अधिकारियों से वह बात करने की कोशिश करता है तो उनसे एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, पूरा बिल जमा करवाओ नहीं तो बिजली काट दी जाएगी। इस बात से वह काफ़ी परेशान है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते हैं न्यूज़ फॉर भारत। धन्यवाद।